बात नहीं चल रहा है। मीडिया का एक सेक्शन जो है वो जानबूझकर के बीजेपी के इशारों पर ये अभियान चला रहा है। हमारे कोई नेता बोलते कुछ हैं और छपता कुछ है। ये अभियान बीजेपी का अभियान है, ये हमारी सभी जानकारी में है, हमें एहसास है। यहाँ कोई झगड़ा ही नहीं है। जो कांग्रेस की परंपरा में हाईकमांड को चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में तो पहले घोषित करता है चेहरा, वरना हमारी परंपरा रही है कि चुनाव के बाद में ही जनता का क्या मानस है, विधायक लोग क्या सोचते हैं, कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, उसके आधार पर हाईकमांड फैसला करता है। हमारे यहाँ तो ना कोई विवाद है, ना कभी विवाद रहा है। मैं खुद AICC के अंदर महामंत्री संगठन हूँ। मैं खुद कहता हूँ पूरे देश के सब राज्यों में कि किसी को अधिकार नहीं कि वो खुद ही अपना चेहरा प्रस्तुत करे मुख्यमंत्री के रूप में। ये कांग्रेस की परंपरा के खिलाफ होगा। कहा चेहरा सामने 10 साल से नहीं काम है। मैंने कहा 10 साल मुख्यमंत्री में रह चुका हूँ, बार बार आप लोग चेहरे क्या बात करते हो। नहीं सर, बार बार आपका बयान आता है मैं साथ से दूर कौन हूँ बयान की। तो मैं अभी भी कहता हूँ कैसे दूर हो सकता हूँ बताओ। जिस राजस्थान ने मुझे तब प्यार मोहब्बत दी हो, विश्वास किया हो, आज भी कर रहा है पूरा प्रदेश के गांव गांव में ढाणी ढाणी के अंदर, तो मैं उनसे दूर कैसे हो सकता हूँ। अगर मैं दिल्ली में रहूँ या राजस्थान में रहूँ या कहीं रहूँ तो मैं राजस्थान की सेवा नहीं करूँगा क्या? मैं राजस्थान की आवाज़ नहीं उठाऊँगा क्या? जो लोग पार्लियामेंट में गए हैं कई लोग, वो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो पार्लियामेंट में रह कर के भी उन्हें आवाज़ उठे राजस्थान की। बड़े बड़े नेता बीजेपी कैसे हैं जिन्होंने एक शब्द वहाँ पे नहीं कहा है। इसलिए मैंने कहा कि मैं कहीं रहूँ मैं आपसे दूर नहीं हूँ। ये तो राजस्थान की जनता की हौसला अफजाई करना मेरा फ़र्ज है। उनको विश्वास बना रहे कि मैं हमेशा आपके बीच में रहूँगा, चाहे कहीं रहूँ किसी पद पर रहूँ, इसमें क्या गलत है? अब आप लोग जो मीनिंग निकालते हो वो आप अपने रिसर्च करके निकालते हो। अपना जो आपके दिमाग में बात आती है कि इनके क्या क्या मायने हो सकते हैं, एक मायने को फिट कर देते हो वो आपकी आपके ऊपर। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा जो ध्येय है वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बने और उसमें तमाम नेता कार्यकर्ता एकजुट रहे, टिकट एक मिलता है विधानसभा में, मुझे प्यारा वही होगा जो टिकट मिलने के बाद में तमाम नेता और कार्यकर्ता, टिकट किसको मिला है मिलने के बाद में एकजुट होकर के पूरी समर्पित होकर के उसको जीतने में लग जाएगा, वो मेरा प्यारा होगा, उससे मैं मोहब्बत करूँगा, उसका मैं स्नेह करूँगा, उसका मैं ध्यान रखूँगा। मैं उस प्रकार की राजनीति करता हूँ और टिकट